हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छी प्रकार से कर रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक विराशक नदी है। इसका ऑप्शन आपके सामने है, नर्मदा, तापी, कोसी, गंडक। तो फ्रेंड्स, जिस प्रश्न का आंसर आपको पता हो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कोसी। कोसी एक विनाशक नदी है जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तवा किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन है, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा नर्मदा। तवा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन है, गंगोत्री, गोमुख, मानसरोवर, तपोवन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, गोमुख। तो भागीरथी नदी जो है गोमुख से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। ऑप्शन है आपका, सरयू, रामगंगा, काली, पिंडर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा काली। काली नदी भारत और नेपाल के मध्य एक सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका गोदावरी। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे जो लंबी नदी है गोदावरी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब